JIT के लिए रहने वाली है दोस्तों, को शुरू कर रहा हूँ ताकि आप सभी जानते हैं कि 120 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के आते ही आते हैं, उसी के अलावा 15 से 20 क्वेश्चन जो है HP GK के हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो देखो हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको दोस्तों बताऊँ तो देखो हिमाचल प्रदेश जो है, सबसे पहले इसका हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश का जो राजनीतिक इतिहास है, यानी हिमाचल प्रदेश एक हिमाचल मतलब वो एक राज्य बना कैसे। तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश जो एक राज्य बनता है दोस्तों, वो बनता है 25 जनवरी 1971 को, 25th of Jan 1971 को हिमाचल प्रदेश को दिया गया दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि भारत देश आज़ाद होता है ना, और उसके जल्दी, यानी आप समझिए 1947 से लेकर के 1971 तक हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, यानी हिमाचल प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा कि 1947 से लेकर 1971 तक क्या क्या चीज़ें रही। तो हुआ क्या कि जब अंग्रेज़ों ने कहा कि हमने भारत को आज़ाद कर दिया, जब भारत को आज़ाद कर दिया तो मान के चलते हैं कि भारत जो है ये इस तरह से है, जो भारत है वो इस तरह से है। अब आप एक चीज़ समझिए, अभी भारत आज़ाद हुआ है लेकिन हिमाचल का कोई अस्तित्व नहीं है, हिमाचल के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि हिमाचल का वो आप जानेंगे कैसे, क्योंकि नाम तो हुआ ही नहीं था। अब 1947 के आसपास मैं बात करूं, जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि इस जगह का नाम हिमाचल है, क्योंकि उस समय तो रियासतें हुआ करती थी, जैसे मंडी रियासत, सुकेत रियासत, नालागढ़ रियासत, है ना, हुंडूर रियासत, यानी इस तरह से रियासतें हुआ करती थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण हुआ है दोस्तों, वो सोलन के दरबार हॉल में हुआ है। वो कहाँ पर हुआ है? सोलन के दरबार हॉल में। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण कहां पर हुआ है, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण हुआ सोलन के दरबार हॉल में, वो नामकरण किया किसने? तो वो किया दोस्तों दिवाकर दत्त शर्मा जी ने। वो किसने किया? दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश में सोलन के दरबार हॉल में नामकरण किया जाता है। अब देखो हुआ क्या, सोलन के दरबार हॉल में किया गया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये दरबार हॉल है, मान लेते हैं कि ये जो है दरबार हॉल है। अब दरबार हॉल में जब नामकरण किया गया होगा तो यहां पर बैठे हैं सोलन के राजा, यहां पर सोलन के राजा बैठे हैं। तो सोलन के जो राजा थे दोस्तों, उनका नाम था दुर्गा सिंह। सोलन के जो राजा थे उनका क्या नाम था दोस्तों? दुर्गा सिंह। सोलन के उस समय जो राजा थे उनका क्या नाम था? दुर्गा सिंह थे। अब दुर्गा सिंह ने बहुत से लोगों को बुलाया, जो भी महत्वपूर्ण नेता थे, कि चलिए आइए बैठिए और आप अपनी अपनी राय दीजिए कि हिमाचल प्रदेश में किसे जो है, यानी उस जगह का नाम क्या रखा जाए, यानी उस जगह का नाम क्या रखा जाए, ये बात आई। तो हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण रखा जाना था दोस्तों, उसका जो श्रेय जाता है वो दिवाकर दत्त शर्मा को जाता है, क्योंकि हुआ क्या था कि यहां से एक व्यक्ति उठे, उन व्यक्ति का नाम था दिवाकर दत्त शर्मा, और उन्होंने चिल्लाया हिमाचल प्रदेश, तो उन्हें वो नाम अच्छा लगा, किसे? दुर्गा सिंह को। तो आपको पहला सवाल पेपर में ये पूछा जा सकता है कि बताइए जिस समय हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ, जिस समय हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ, तो उस समय वहां की अध्यक्षता, यानी वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था दोस्तों दुर्गा सिंह। जब हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ तो उनका नाम क्या था? दुर्गा सिंह। अब आप समझिए, ये जो बातें मैं कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण दुर्गा सिंह ने किया, तो दोस्तों ये बात है आपकी 1948 के आसपास की। ये बात कब की है? 1948 के आसपास की ये बात है। अब आप ये समझिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। अब इस समय तो पूरे भारत में छोटी छोटी रियासतें हैं, हर जगह रियासत है ना। अब मान के चलते हैं कि मैं मंडी रियासत का राजा हूं, और मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि कोई महत्वपूर्ण नेता आए और मुझे कुछ ज्ञान दे और बोले कि आप अपनी जगह छोड़ के जाएं, अब यहां का राजपाट हम संभालेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है।
यहां पर भी ऐसा ही हुआ। अब कुछ राजा चाहते थे कि हम जैसे हम राज कर रहे हैं हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन एक रियासत हिमाचल प्रदेश में ऐसी हुई जिसने इस चीज को समझा और उसने कहा कि अब जो राजा बनेगा वो लोगों के द्वारा चुना गया राजा बनेगा, यानी अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब लोगों के द्वारा चुना गया राजा होगा। तो 17 अगस्त 1947 को, 17th of August 1947 को दोस्तों क्या होता है, ठियोग रियासत, आप सभी जानते हैं कि जो ठियोग है दोस्तों वो शिमला में ही पड़ता है, उस समय ये एक रियासत थी। तो ठियोग रियासत हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली ऐसी रियासत बनती है दोस्तों जहां पर लोगों ने सबसे पहले वोटिंग की और उन्होंने एक मुखिया चुना जिसका नाम था दोस्तों सूरत राम प्रकाश। जिसका नाम क्या था? सूरत राम प्रकाश। आपको पेपर में क्या पूछा जा सकता है? आपको यह पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो सोलन का, सॉरी, जो ठियोग रियासत थी उसका प्रथम मुखिया कौन था? तो उसका नाम था सूरत राम प्रकाश। अब देखो ठियोग रियासत जरूरी है तो यह जानना भी जरूरी है कि ठियोग रियासत के पहले राजा कौन थे और ठियोग रियासत के अंतिम राजा कौन थे। तो ठियोग रियासत के दोस्तों जो पहले राजा हैं उनका नाम है दोस्तों जयचंद। उनका नाम क्या है? जयचंद। और ठियोग रियासत के जो अंतिम राजा हैं उनका नाम है कृष्णचंद। कृष्णचंद, ठीक। देखिए मैं आपको एक चीज से पहले ही अवगत करवाना चाहता हूं दोस्तों, जो जिस टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, JOA के लिए, 939 के लिए, उसमें कंप्यूटर तो जरूरी है ही है, HPG के बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान के चलते हैं कि कंप्यूटर जो वाला जो सेक्शन है वो बहुत टफ आता है, ठीक है, तो आपके पास जो स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज्यादा होता है ना फिर वो HPG के होता है, क्योंकि जो 817 पोस्ट कोड था उसमें तो सभी बंदों ने तुक्के लगाए मोस्ट ऑफ दी ने, लेकिन जिसने उनकी लाश बचाई वो था HPG के। तो अगर आप दोस्तों अपना HPG के भी अच्छा करते हैं तो वो आपको कम से कम 10 से 12 नंबर दिलाएगा, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिए, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप उस चीज को अच्छे से पढ़ते हैं, आपकी क्लासेस कुछ व्हाइट बोर्ड पर होंगी, कुछ क्लासेस आपकी कंप्यूटर में होंगी, ऑब्वियस है, क्योंकि आप खुद समझिए जब आपकी क्लासेस MS Excel की होंगी, जो क्लासेस आपकी MS Excel की होगी तो वो क्लास आप व्हाइट बोर्ड पे कैसे लगा सकते हैं, जब वहां पर आपको बताया जाएगा कि MS Excel का फॉर्मूला ये है, थीसरस का ये मतलब होता है कि सिनोनिम निकलता है, कि MS Excel में इतने आपके कॉलम होते हैं इतनी रो होती है, तो वो चीज़ आपको दोस्तों डेमोन्स्ट्रेट की जाएगी स्क्रीन पे की जाएगी, तो तभी आप अंदाजा लगा पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जहां पर हम पहुंचे थे ठियोग रियासत, अब यहां पे हुआ क्या कि पहली ये रियासत ऐसी बन गई जो एक लोकतांत्रिक रियासत बन गई। अब क्या हुआ दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में सारी जगह खलबली मच गई कि यार एक कोई रियासत ऐसी है जिन्होंने उसे क्या कर दिया, एक अस्थायी रियासत बना दिया, सॉरी उसे क्या कर दिया, लोकतांत्रिक, यानी लोगों के द्वारा चुना गया। अब कुछ जो रियासतें थी उनमें खलबली हो गई कि यार वो राजा कैसा है, उसने अपनी राज्य की सीट लोगों को दे दी। तो हिमाचल प्रदेश में यही सबसे बड़ी अच्छी चीज हुई कि उन्हें अब लगा कि हमें जो है हिमाचल प्रदेश में एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनानी चाहिए, अस्थायी सरकार बनानी चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो भी निर्णय लिए जाएं वो उन महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा लिए जाएं जो एक अस्थायी सरकार बनाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1948 को दोस्तों हिमाचल प्रदेश में टेम्परेरी गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है, और उस समय जो हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार के अध्यक्ष बनते हैं दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिवानंद रमौल। और जो मैं आपको टॉपिक आज करवा रहा हूं, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि यहां से सवाल डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार के अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? शिवानंद रमौल को बनाया गया, ठीक है। इसी तरह से कारवां आगे की ओर बढ़ता रहता है, चलता रहता है, और एक डेट आ जाती है दोस्तों 15 अप्रैल 1948, और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का किया जाता है गठन, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 30 छोटी बड़ी रियासतें मिलती हैं। इन 30 रियासतों में जो 26 थी,
वो थी आपकी दोस्तों शिमला हिल स्टेट्स, और जो चार थी वो थी पंजाब हिल स्टेट्स। जो 26 थी वो थी शिमला हिल स्टेट्स, और जो चार थी वो थी पंजाब। तो जो चार जिले हिमाचल में जुड़ते हैं दोस्तों, इसीलिए 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो 15 अप्रैल को चार जो जिले जुड़ते हैं वो थे दोस्तों चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ये चार जिले हिमाचल में जुड़ते हैं, और इस तरह से जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का होता है गठन। तो ये दोस्तों आपका आज का जो एचपी जीके का डेमो था वो थोड़ा सा था, ताकि आपको समझ आ सके कि एचपी जीके में किस तरह से करवाऊंगा। ये मैंने आपको थोड़ा तेज इसलिए करवाया क्योंकि हमने शेड्यूल नहीं किया था कि आज आपका एचपी जीके का डेमो होगा, क्योंकि जो हमने कंप्यूटर का सोचा था, लेकिन किसी नेटवर्क इशू की वजह से, क्योंकि देखिए इस चीज़ के आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो अब आपकी जो कंप्यूटर की क्लास होगी आपको बता दिया जाएगा कि कब होगी। तो ये इस तरह से आपकी दोस्तों मैक्सिमम क्लासेस ली जाएंगी। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, और यही वीडियोस दोस्तों जो आप इस समय देख रहे हैं, यही वीडियोस आपको ड्राइव में अपलोड होकर के मिलेंगी। सेम आप उनको जब मर्जी देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतने टाइम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी हर एक चीज़ की क्लास होगी। तो आज के लिए जो एचपी जीके का डेमो था वो इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी।